आम छीलने के बाद हम क्या करेंगे, यदि थोड़ी मात्रा में है तो हम इसके गूदा को चाकू से काट लेंगे और गुठली को अलग निकाल के फेंक देंगे टुकड़ों टुकड़ों में काट के, और उसमें थोड़ा पानी डाल के या तो आप कुकर पर गला सकते हैं या किसी बर्तन में डाल के एल्युमिनियम या स्टील के में पानी से डूब जाए, ये जैसे पल्प है और उतना पानी डालिए कि वो डूब जाए, कवरिंग वाटर। और इसका दूसरी है, ज़्यादा मात्रा में करना है तो बर्तनों में इसको डाल के आम को और इसमें पानी डाल देना है, मतलब ये डूब जाए पूरा। और इसको जैसे ये है हम कर रहे हैं और ये पानी से पूरा डूब गया है ये, और अब इसको हम आग पर चढ़ा देंगे। देखिए ये आम गला नहीं है, इसको पूरा अच्छी तरह से गलने तक पकाएंगे। देखिए हमने ये आम को पका दिया है, ये पूरा पक गया है, गल गया है। देखिए ये अब मसलने पर ये हो रहा है, गल गया है ये आम। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे आग पर और इसको हाथ सहने लायक तक ठंडा करेंगे। सहने लायक हमारा आम हो गया है, अब इसको मसल लेना है, मसल के ये गुठली अलग कर देना है और ये गूदा ये देखिए अलग निकल जा रहा है। देखिए आपके सामने ये हो रहा है, हमने देखिए मत के गुठली को अलग निकाल लिया गया है। अब ये जो हमारा पल्प है, अब ये हम इसको कपड़ छान कर रहे हैं, इसमें रेशा अलग हट जाएगा और गूदा नीचे निकल जाएगा, इसको डाल देंगे।